जी स्टार्टिंग में 2 महीने ठाली पड़े, घर से खाना के पैसे मंगाए, खाना खाया, उसके बाद दुकान डोर टू डोर जाके नौकरी के लिए सर्च करा। तो भाइयों यहाँ पे भाई लोग खाना खा रहे हैं, तलाबाद के भाई लोग। तो आप लोग को देखा खाना खाते हुए, तो भाई हमने कहा कि एक भाई आ गए। क्या नाम भाई यार? तुम्हारे तो वीडियो देख रखी मैंने YouTube। अरे यार थैंक यू सो मच यार, देखो आने से पहले बहुत वीडियो देखी तुम्हारी। तुम्हारा ये उदय भाई है, भाई ने हमको पहचान लिया। और भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत वीडियो देखी, तुम्हारा चैनल भी फॉलो कर रखा होगा। अच्छा शायद। अच्छा कब आए आप? आपको कितना टाइम हो गया कतर में? एक साल हो गया। एक साल हो गया, तो काम हम कैसा चल रहा है? मजे आ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। नहीं नहीं वो देखो यहाँ पे मेहनत है, ठीक है। जब हम आते हैं तो हमको वहाँ से लगता है कि वहाँ जाके काम करेंगे कितना बचेगा, लेकिन जब यहाँ आते हम लोगों को देखते हैं इसलिए हमको लगता है हमको कम बच रहा है, ऐसा बच रहा है। लेकिन आप ये देखो कि वहाँ पे हमको इतना नहीं बचता। बिल्कुल देखो ये बहुत अच्छी आपको बात बता रहे हैं। तो ये देख के यहाँ पे स्ट्रगल करके अगर 1-2-3 साल आदमी कर लेता है फिर दूसरा काम कर लेता है। उतराव चढ़ाव तो चलता रहता है। हाँ ठीक है ना, ऊपर नीचे तो होता रहता है जी, पर ठीक है वहाँ से। अच्छा शुक्रिया भाई यार। आप पंजाब के हैं क्या? जी जी पंजाब से। आप भाई लोग पंजाब के हैं। हाँ। क्या नाम भाई आपका? मनदीप सिंह। और ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए, तो अपने भाई से बात करते हैं क्योंकि इनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो भी देखी है, तो इनसे हम जरूर बात करेंगे। इधर आओ। देखो भाई यहाँ पे किट में होते हैं सब लोग, देखिए ये पूरा किट है सब इधर, और हाथ में भी है, इधर भी है, और हेलमेट अभी बैठे हैं तो हेलमेट उधर रखा हुआ है। तो ये बताओ भाई कितना टाइम हो गया अभी कतर में आए हुए? 13 महीने हो गए। तो वीज़ा कैसे लिया था? एजेंट से लिया था कि दोस्त से? रिश्तेदार थे, बोलो रिश्तेदार थे। रिश्तेदार। अच्छा तो कंपनी का वीज़ा दिया था कि अपना? अपनी थी, उन्होंने अपनी कंपनी चालू करी थी। अच्छा बाकी कंपनी बंद हो गई फिर इधर चेंज ले लिया। अच्छा उनकी कंपनी बंद हो गई तो आपने तलाबाद में चेंज ले लिया। तो अभी जब आप आए तो आपने मेरी वीडियो देखी, सच में यही बोल रहे? नहीं देखी वीडियो, एक नहीं वीडियो देखी। हाँ तो ऐसे ही मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी आया भाई को भी नहीं पता था। तो मेरी जो वीडियो होती है जेन्युइन होती है, जेन्युइन मतलब कि डायरेक्ट वाला नहीं होता है जो फिक्स करके या कुछ भी, और हम लोग अपनी बात करते हैं। तो अच्छा ये बताओ तुम्हें लाइसेंस कितने दिन में मिल गया था? एक दिन में लाइसेंस आ गया था। अच्छा कितना खर्चा हो गया था आने में? पता एजेंट के ऊपर बात है। नहीं आपका कितना आया था ये पूछ रहे? 70,000 में आ गए थे। लाइसेंस अपने पास से लिया था? अच्छा भाई ये नए भी, तो इनसे एक बात यही पूछेंगे, तो अभी ये काम कैसा कर रहे हैं 13 महीने में? तो तलाबाद में भी कब से ज्वाइन? 6 महीने से। इससे पहले कहाँ थे? पहले रूम पे थे या फिर रेस्टोरेंट में 3 महीने काम। अच्छा 3 महीने स्ट्रगल की लाइफ देख लो भाई, 6 महीने तो इनको ये काम नहीं मिला था। तो अपना स्ट्रगल बताओ लोगों को जो आना चाहते हैं, जो सोचते हैं वहाँ से। स्ट्रगल तो है, घर से निकलने के बाद स्ट्रगल है, जो भी आ रहा है सोच के ना, ये कि वापस जाना, मान लो थाली भी पड़ना पड़े, घर से भी पैसे मंगा के खाना खाया जी। ये नहीं है कि डायरेक्ट आते ही काम में लग गए जी। स्टार्टिंग में 2 महीने थाली पड़े, घर से खाना के पैसे मंगाए, खाना खाया, उसके बाद दुकान डोर टू डोर जाके नौकरी के लिए सर्च करा जी। फिर एक जगह रेस्टोरेंट में जॉब लगी, 3 महीने उधर काम करा जी। फिर उसके बाद इधर कंपनी में चेंज लिया। यानी 6 महीने बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ आपकी गुजरी है। तो हाँ तो ये देखो भाई स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे ही आदमी मोटिवेट होता है फिर आगे स्ट्रांग बनता है। ये चीज़ कभी मत भूलना कतर में आए हुए कि हमने इतना स्ट्रगल किया है। और जो भी बोले उसको बताओ कि यहाँ पे स्ट्रगल करना है, बाकी मेहनत करोगे तो 1-2 साल का तो टाइम लगता ही है। पहला सफ़र ऐसे ही होता है, उसके बाद आपको टाइम लगता ही है, सही है ना? तो अभी ये बताओ अभी 6 महीने से ये चला रहे हो, तो बाइक आपका है कंपनी का? कंपनी का है हमारा। तो आप कमीशन पे हो? तो कितना? सप्लाई कंपनी। अच्छा तो अभी कमीशन पे आप हैं, तो कितना मिल रहा है अभी आपको कमीशन में? 5,000 पर आवर। अच्छा रूम किसका है? रूम कंपनी का है। खाना पीना? खाना पीना अपना। अच्छा बाइक कंपनी का है, पेट्रोल कंपनी, मोबाइल रिचार्ज कंपनी का है। और ये किट जो है आपकी पूरी? ये ड्रेस वगैरह सब तलाबाद की तरफ से। अच्छा तो ये बताओ अभी 6 महीने का काम करो, 6 महीने में आपने कोई आइडिया लगाया कितना पैसा आप बचा रहे? नॉर्मली अगर काम करने वाला बंदा है तो 40,000 रुपये कहीं नहीं। अच्छा कतरी रियाल कितना हो गया? 2,000 आप बचा लेते, लेकिन ये तो बता दो ड्यूटी कितने घंटे करते हो? आदमी तो सोच रहा है 6-7-8 घंटे करता होगा ड्यूटी भाई, उसके ऊपर डिपेंड है। मंथली मान लो गर्मी में 8 घंटे की ड्यूटी दें उस टाइम तो इतना नहीं होता, लेकिन अभी सर्दी में 11-12 घंटे ड्यूटी है।
12 घंटे करना करेंगे तभी आप 2000 तक बचा सकते हैं। रूम में कितना खर्चा आ जाता है खाने पीने में? खाने पीने में अपने ऊपर है, वैसे तो मिनिमम 300 है, मैक्सिमम कितना भी कर लो। अच्छा, हमारा 550 रूम खाने का कि रूम का भी? नहीं, रूम कंपनी का। रूम कंपनी खाने 550 का खर्चा, उसके बाद आप 2000 के आसपास बचा लेते, लेकिन अभी कुछ गर्मी में कम बचा रहे थे। तो कम है, 4 महीने बाइक बंद रहे तो उसमें कम। अच्छा, हम भी यार ये करते कि आप लोग का काम अच्छे से चले। तो अच्छा ये बताओ, पैसा अपने पापा से लिया था कि अपना पैसा लेके आए थे या किसी से उधार लिया था? किसी के पास नहीं होता, अगर किसी के पास पैसा हो तो इधर की आ। हाँ, तो वही मोटिवेट के लिए 10 किसी से पकड़े, 20 किसी से पकड़े, इसी तरह करके अपना ले गए। तो लोगों ने हेल्प करी आपके? बिल्कुल करते हैं, जेन्युइन आदमी होगा वो हेल्प करेगा, जो अपना है यही पता लग जाए कौन अपना है कौन पर है। लेकिन सच बताना, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको लगता था ये मेरे हर वक्त खड़े हैं, और लेकिन उस मौके पे उन्होंने कहा मेरे पास तो यार है ही नहीं यार। होता है और बाहर आने के बाद लोगों का नजरिया ही बदल गया होगा। सही बात है गलत? तो ये दुनिया का दस्तूर है हर किसी का। तो भाई अपना ख्याल रखो, बाइक आराम से चलाना, हाईवे पे चलाओ तो बिल्कुल साइड वाली लेन पे चलाओ, कतर को भी साफ सुथरा रखो, ठीक है? और क्या नाम बताया था आपने? उज़ैर। पाकिस्तान कहाँ थे भाई? इंडिया से। इंडिया कहाँ थे भाई? तो भाई अरे यार ये तो अपने यूपी के, एम डी यूपी के, यूपी सहारनपुर के ये भाई हैं, तालाबाद में अभी ज्वाइन किया अभी। कैसा लग रहा है कतर में? बढ़िया। देख बोलिए इधर, देख। बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ वाइफ कैसी है यहाँ की? लाइफ तो एक नंबर, सबका रूल बराबर है, रूल्स यहाँ सबके लिए बराबर है। सेफ्टी के हिसाब से कैसा है? सेफ्टी के हिसाब से भी हर चीज में ठीक है। अच्छा, तो छुट्टी अगर आप ठीक हो तो कंट्री भी ठीक है, अगर आप गलत हो तो कंट्री भी। छुट्टी उट्टी भी लेते हो आप? छुट्टी हो जहाँ 4 छुट्टी कंपनी की तरफ अलाउ है, बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करे। हाँ, आप कितनी छुट्टी लेते हैं? लेते क्या लेते हैं, डायरेक्ट काम करते? हमें तो लगता है लेते नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी छुट्टी लेता ही नहीं है। सही है, स्टार्टिंग में तो 4-5 महीने नहीं करी छुट्टी, लेकिन तभी आप लास्ट मंथ ठीक नहीं थी तो 10-15 छुट्टी हो गई। लगातार नहीं थी आगे पीछे? आगे पीछे 2 दिन काम कराएगी। अच्छा, बीमारी मार होती है तो कंपनी छुट्टी दे देती है? हाँ, कंपनी छुट्टी देती है, अपना है ना, मान लो जितनी मेहनत करोगे उतना अपना है, नहीं करोगे तो वही सैलरी। वही सैलरी है। तो दिन भर में अभी कितनी ट्रिप मार लेते हैं? अभी तो काम थोड़ा हल्का है, नहीं तो नॉर्मली 15-17-19-20 15 और 20 के बीच में आप ले लेते हैं नॉर्मली है। 12 घंटे के 15 से 25 के बीच में नॉर्मल। तो बाकी सब खैरियत है। चलो भाई अपना ख्याल रखो और आराम से बाइक चलाओ, समझ रहे हो? तो ये देखो ये भाई लोग हैं सब, इधर तो नाश्ता कर रहे थे, बाइक के दिखाओ, ठीक है? और वो देखिए बाइक खड़ी हुई है, ये देखो इधर भी और लोग, आप लोग को बाइक दिखाते। आपकी बाइक कौन सी है? चलो भाई, तो भाई की बाइक देख ले, भाई कह रहे बाइक दिखा दो। ये देखो भाई की बाइक है, हेलमेट है। तो चलो चल रहे भाई, अपना ख्याल रखो, आराम से बाइक चलाओ, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ, चलते फिर मुलाकात होगी। तो भाई सब ड्राइवर से अपना ख्याल रखो, बाइक आराम से चलाओ, रूल को फॉलो करो, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों भाई से हमारी बात हुई, और देखिए आप लोग यहाँ पे लोग कैसे मेहनत करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा।